वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर थ्री, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सबसे पहले हम लोग को जानते हैं कि किस तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले तो तरह तरह के फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क, मीट, जो भी आज कुछ आता है वो सब या तो प्लांट से आता है जो कि ग्रो किया जाता है, एनिमल जिसे पाला जाता है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के। जैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए इन कंपेरिजन टू वीट और बार्ले, और एनिमल्स भी डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट कंडीशन प्रेफर करते हैं। जैसे शेप और गोट जो है वो इजीली रह लेंगे माउंटेनियस या ड्राई हिली एनवायरनमेंट में कंपेयर टू कैटल। फिर हम लोग पता करते हैं कि कैसे बिगिनिंग हुआ फार्मिंग और हर्डिंग का। सबसे पहले तो लोगों ने अर्ली पीपल ने देखा कि कैसे सीड जो है वो गिर रहे हैं ग्राउंड पर और नए प्लांट उनसे उग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो उन्होंने इसे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और बर्ड और एनिमल्स से, और इसी तरह वो फार्मर बन गए। फिर कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फूड रख दे अपने शेल्टर के पास और एनिमल्स आ जाएं, ताकि एनिमल भी वो पाल सकते थे, एनिमल का काफ़ी फायदा था। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो डॉग पहला वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग पहला एनिमल था जिसे पाला गया था। फिर उन लोगों को लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा वाइल्ड है, तो रिलेटिवली जेंटल एनिमल्स को पाला गया, जैसे शेप, गोट, कैटल। फिर यहाँ डोमेस्टिकेशन के बारे में दिया है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि जिसके कारण हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक वाइल्ड पिग का दांत है जो काफ़ी बड़ा है और डोमेस्टिकेटेड पिग का दांत काफ़ी छोटा है, और इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। और पहले प्लांट थे वीट और बार्ली, और शुरू के एनिमल्स थे शिप और गोट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे सीड को, ग्रेन को किस किस वे में यूज करते हैं। तो लिखा है यहाँ, एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट स्टोर्ड फॉर फूड। तो चूंकि अब एग्रीकल्चर बूम करने लगा था तो हमें स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए क्ले पॉट बने, बास्केट को बुना गया, या फिर गड्ढे बनाए गए ग्राउंड में जिसपे आप स्टोर कर सकते थे प्लांट के प्रोजेक्ट को। फिर एनिमल्स की बात हुई, तो एनिमल्स तो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर से वो मिल्क देते हैं जो कि और फूड और मीट के अच्छे सोर्स हैं, इजी सोर्स हैं, तो ये स्टोर ऑफ फूड का काम करते थे, तो इसलिए लोगों ने उनका भी टेमिंग शुरू कर दिया। फिर पहला फार्मर और हर्डर कहाँ पाए गए थे, तो आप देख सकते हैं, इस मैप टू में जो भी नियोलिथिक साइट्स है यानी कि ब्लू स्क्वायर, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं बुर्जा होम कश्मीर में है, फिर से मेहरगढ़ देख सकते हैं आप पाकिस्तान में। इन दो जगह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दाउचले हेडिंग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आप देख सकते हैं चिरंद बिहार में है, और भी कई जगह हैं आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में, हल्लूर, पय्यमपल्ली, और ऊपर कोलिदवा, महागारा, ये सभी जगह जो थे वहाँ फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर और हर्जर्स मिले थे। उसके बाद एक फाइंड मिला है हमें बर्न ग्रेन का, तो या तो ये एक्सीडेंटली बर्न हो गए थे या फिर पर्पस से हुए थे, मगर बाद में जब ह्यूमंस को पता चल गया तो उन्होंने इसे यूज करने लगे फूड के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, पॉज करके आपको ये याद कर लेना चाहिए कि किस साइट में क्या मिला था, जैसे मेहरगढ़ में वीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल, कोलिदवा जो यूपी में, वहाँ राइस, फ्रेगमेंटेड एनिमल्स बोन, महागारा जो यूपी में है वहाँ पे राइस, कैटल, गुफ्तकरल जो कश्मीर में है वहाँ वीट और लेंटिल, बुर्जा होम जो कश्मीर में है वहाँ पे वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शिप, गोट, बफेलो, चिरन जो बिहार में है वहाँ पे वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, ऑक्स, हल्लूर जो आंध्रा में है वहाँ पे मिलेट, कैटल, शिप, गोट, पिग, और पय्यमपल्ली में ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शिप, पिग, आप ये चार्ट याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम सेटल लाइफ के द्वारा, तो बुर्जा होम जो कि हम लोग देखे थे कश्मीर में, वहाँ पे मिला है ट्रेस ऑफ हट या फिर पिट हाउसेज जो कि ग्राउंड के अंदर डग करके बनाए गए थे, और कुछ स्टेप्स थे जो कि नीचे जाते थे, ये उन्हें कोल्ड वेदर से बचाता है। आपको पता ही है कि कश्मीर का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड है, और आज भी आप देख सकते हैं कुछ रेफरेंसेज पिट हाउस के कश्मीर साइड। फिर पैलियोलिथिक टूल्स जो थे उनसे डिफरेंट टूल्स यूज होते थे इस पीरियड में, जिसे नियोलिथिक टूल कहते थे। इनके फाइन कटिंग एज होते थे, मोर्टार, पेस्टल होते थे ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए, और ये आज भी यूज होते हैं थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह के टूल्स यूज होते थे। फिर पीपल बिगेन यूजिंग पॉट फॉर कुकिंग फूड,
और राइस वीट लेंटिल्स अब इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए थे डाइट के, और लोग वीव करते थे क्लॉथ को, और कॉटन भी ग्रो करते थे क्योंकि क्लॉथ में कॉटन का काफी जरूरत था। और धीरे धीरे वो लोग फार्मिंग को अडेप्ट करने लगे और हर्डिंग को, फिर कुछ कस्टम बन गए थे फार्मर्स और हर्डर जो ग्रुप में रहने लगे थे वो ट्राइब कहलाते थे, और उनके कुछ कस्टमर प्रैक्टिस थे। आप देख सकते हैं इस ब्लॉक में कि ट्राइब के बारे में डिटेल में दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि कुछ लोगों को लीडर माना जाता था, ओल्ड वेमेन की काफी रिस्पेक्ट होती थी उनके विजडम और एक्सपीरियंस के लिए, और कुछ लैंग्वेज थे, म्यूजिक थी, स्टोरी, पेंटिंग, वो लोग अपने यूनिक थे और अपने गॉड और गॉडेस भी थे, यानी वो लोग बिल्कुल डिफरेंट कल्चर अपना एक डेवलप किए हुए थे। फिर मेहरगढ़ में आप देखिएगा पाकिस्तान में, तो वहाँ एक फर्टाइल प्लेन था बोलन पास के पास, वहां पे पहली बार बार्ली और वीट उगी थी, और शिप और गोट भी पहला बार वहां पे टेम किया जाने लगा था। और फिर विलेज का डेफिनेशन दिया है कि ज्यादातर लोग फूड प्रोडक्शन में इंगेज हो वही विलेज कहलाता है वो एरिया। उसके बाद लेवल्स की बात हो रही है, आप देख सकते हैं इस पेज में लेवल 1 2 3 4, यहाँ पे जो अपर लेयर माउल्ट का होगा वहाँ आर्कोलॉजिस्ट को सबसे जो बाद का समय होगा, यानी कि जो सबसे बाद का समय होगा वो ऊपर के टीला में होगा, और सबसे नीचे यानी सबसे ओल्डर चीज मिलेंगे वहाँ। तो आप ये लॉजिक से भी देख सकते हैं, अपर लेयर ऑफ माउल जनरली लैटर टाइम को दर्शाता है। फिर मेहरगढ़ में आपको ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले थे उनके ब्यूरियल और जो उनके साइट मिले थे, और फिर जो ब्यूरियल साइट थे कुछ मेहरगढ़ में वहां पे एनिमल को भी सर्व कर दिया जाता था, मतलब एनिमल को भी रख दिया जाता था इंसान के साथ मौत पे, ताकि वो अगले जन्म में खाना का काम करे, ऐसा उनका कस्टम था या सुपरस्टिशन था जो भी कह ले। फिर दाउजली हेडिंग एक जगह है ब्रह्मपुत्रा वैली के पास जो कि चाइना और म्यांमार के रूट में पड़ता है, वहां पे मोर्टार और पेस्टल पाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जेजेलाइट नाम का एक स्टोन पाया गया था जो कि चाइना में मिलता है। फिर आप देख सकते हैं कैटल हुआंग नाम का एक नियोलिथिक साइट है टर्की में, वहां पे सीरिया से फ्लिंट काउरी पाए गए थे, रेड सी से शेल पाए गए थे मेडिटेरेनियन सी से, और उस समय काट भी नहीं चलते थे, तो सोचिए मगर फिर भी वहां पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा था तभी यहाँ वहां तक पहुंच पाया था टर्की तक इतने दूर की जगह से। फिर आप देख सकते हैं कीवर्ड्स डोमेस्टिकेशन हमने डिस्कस कर ही लिया, कैसे डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल को, पालन, और उसके बाद फार्मर्स पता ही है, हर्डर, नियोलिथिक, पॉट, ट्राइब, विलेज, हाउसेज, ब्यूरियल्स, हमने सभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज अगर देखें तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है, डोमेस्टिकेशन का बिगनिंग 12,000 ईयर्स अगो और मेहरगढ़ 8,000 ईयर्स अगो, आप याद रखिएगा। उसके बाद आई थिंक आप सभी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर ही लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई मैसेज। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।